कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् जश्चात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि जश्चात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। परम मंगलमय परात्रक्षेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित वाणी श्रीमद्भागवत गीता के नित्य पारायण में हम सभी आज पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम प्रतिदिन गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, फिर जितना बन सकता है चिंतन करते हैं, वास्तव में भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है और गीता हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। आइए सभी लोग हमारे साथ गीता पारायण करें और जो नहीं पढ़ सकते कम से कम श्रवण अवश्य करें। आइए हम गीता पारायण में प्रवेश करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययाति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सवच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं शक्तः स विशिष्यति। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायुष कर्मण शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध ईद कर्मण यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सहयज्ञा प्रजाश्रष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमीस उत्तिष्ठ कामधुक। श्री कृष्णाय नमः। आइए हम गीता के छठे श्लोक पर विचार करें जहाँ पर भगवान कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इंद्रियों का संयम करना ये भगवान द्वितीय अध्याय में ही बता चुके हैं, जो हमारे लिए अति आवश्यक है और अर्जुन को भी ज्ञान करा चुके हैं, बता चुके हैं। अब उसके लिए भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं कि इंद्रियाणि संयम्य मनसा स्मरण, जो व्यक्ति
अपनी इंद्रियों को बाहर से तो विषयों से रोक लेता है, परंतु उसका अंदर मन में चिंतन चलता रहता है। मिथ्याचार सूच्यते, उसे मिथ्या आचार वाला अर्थात दंभी कहा है। मिथ्याचार स उच्यते अहंकार विमूढ़ता इत्मनानुबंधे। भगवान कहते हैं कि जैसे हम किसी आकर्षक वस्तु को देखते हैं और हमारा मन आकर्षित हो जाता है, तो हम आंखें तो बंद कर लेते हैं, बाह्य रूप से देखना बंद कर देते हैं और लोगों से घोषणा करते हैं कि हमारा किसी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं है, परंतु अंदर अंदर मन के अंदर उस वस्तु का चिंतन यदि लगा हुआ है तो उसे दंभी पाखंडी भगवान करार देते हैं। यहाँ पर ये बड़ी समझने की बात है कि इंद्रियों का संयम सही रूप में तभी होगा जब हम बाह्य रूप से किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष न रखें, इंद्रियों को विषयों से हटा लें। बाहर से तो ऐसा दिखाई पड़े, परंतु साथ साथ होना यह भी चाहिए कि हमारा मन के अंदर भी उस वस्तु के प्रति कोई चिंतन न हो, कोई विचार न हो, तभी हमारा इंद्रियों पर संयम हो पाएगा। इंद्रिय संयम का कनेक्शन है मन से। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं होगा तब तक इंद्रिय संयम कठिन ही रहेगा। हमें भगवान सावधान करते हैं अर्जुन के माध्यम से कि संसार में बहुत से पाखंडी ऐसे हैं, कुछ लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, ऊपर से बोलते तो कुछ भी नहीं हैं पर इधर उधर हाथ हिला करके काम चला लेते हैं, कुछ लोग लिख करके काम चला लेते हैं, यानी उनके अंदर से मौन नहीं हुआ है, बाह्य रूप से तो मौन का आचरण कर रहे हैं पर अंदर अंदर उनके विचार उनके कार्य सब कुछ किसी न किसी बहाने चल रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग गृह त्याग कर देते हैं, वन में चले जाते हैं, पर वहां जाकर भी घर क्या परिवार का चिंतन अगर चल रहा हो तो आप समझो कि उनका संन्यास वृथा है, घर से जाना वृथा है, इससे अच्छा तो घर पे ही रहते। किसी भी स्थान पे आप रहें पर आपका जब तक इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, विषयों में जो इंद्रियां भटक रही हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप योगारूढ़ नहीं हो सकते। इसी बात के लिए भगवान सावधान कर रहे हैं और साधक को चाहिए कि मन की सहायता से पहले मन पर अपनी पकड़ बनाए और जागृत रहे, हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, किस विषय में विचरण कर रही हैं, उसका पूरा पूरा ध्यान रखे और उस पर विचार करके अपने मन के अंदर से उनका संयम करे, तभी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके योगारूढ़ हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन ओम मुक्ति का कारण है।
नारायण नारायण नारायण।